इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक स्टेज द यूज ऑफ प्लीज एंड थैंक्स। जब हम दूसरों से हेल्प लेते हैं तो प्लीज़ का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं आप मुझे अपनी कलम दीजिए कृपया, बोलते हैं गिव मी योर पेन प्लीज। हम उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोल सकते हैं योर पेन प्लीज। इसको हम और भी शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं पेन प्लीज। आप कहते हैं इस प्रश्न को हल कर दें, सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, मेरी मदद करें, हेल्प मी प्लीज। अपनी पुस्तक दीजिए गिव मी योर बुक प्लीज। प्लीज इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यह आपके संस्कार के साथ साथ आपकी भाषा को भी सुंदर और आकर्षक बनाता है। जब हम बड़ों की सेवा में होते हैं या उन्हें ऑफर देते हैं तो प्लीज बोलते हैं। जैसे कहते हैं अपना स्थान ग्रहण करें टेक योर सीट प्लीज, अपनी चाय लें टेक योर टी प्लीज, अंदर आइए कम इन प्लीज। इस प्रकार से प्लीज वर्ड के द्वारा हम अपने सेंटेंस की सुंदरता तो बढ़ाते हैं, साथ साथ हम दूसरों के सामने खुद को ऑफिशियल मैन या प्रोफेशनल मैन के रूप में भी व्यक्त करते हैं। प्लीज वर्ड के द्वारा हमारा न होने वाला कार्य भी संपन्न हो जाता है। प्लीज वर्ड के द्वारा हम लंबे सेंटेंस को शॉर्ट में भी चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन प्लीज के बाद जब हमारा कार्य संपन्न हो जाता है तो बदले में हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक्स। क्या बोलना चाहिए, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट, मेनी मेनी थैंक्स। हमारा कार्य जितना ही महत्वपूर्ण होगा हम उसको उसी रूप में बोलेंगे। कार्य छोटा है थैंक्स, उससे बड़ा कार्य हुआ थैंक यू, उससे बड़ा थैंक यू वेरी मच, उससे बड़ा कार्य अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं, थैंक्स ए लॉट। अगर हमारा कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा तो हमें ऐसे बोलना चाहिए मेनी मेनी थैंक्स। लेकिन थैंक्स के बाद हमें अवश्य रिस्पांस देना चाहिए। क्या रिस्पांस होता है, इट्स ओके, वेलकम, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम, इट्स माई प्लीजर। इस प्रकार से अगर हमें फ्रेंडशिप में या अपने छोटों को कहना है क्या बोलेंगे, इट्स ओके। छोटे जब अपने बड़े को कहते हैं वेलकम या बोलते हैं यू आर वेलकम या बोलते हैं मोस्ट वेलकम या कहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन यही बात अगर सम्मानित व्यक्ति हमें थैंक्स बोलता है तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, इट्स माई प्लीजर। क्या बोलते हैं, इट्स माई प्लीजर। इसको शॉर्ट में हम माई प्लीजर भी बोल सकते हैं। फ्रेंडशिप के लिए जॉर्ज अपने फ्रेंड से कहता है गिव मी योर बुक प्लीज, जैक कहता है इट्स हियर, जॉर्ज बोलता है थैंक्स, जैक कहता है इट्स ओके। क्या बोलता है, इट्स ओके। आपने क्या देखा, फ्रेंडशिप में क्या बोला थैंक्स के बाद, इट्स ओके। बड़े के लिए मैं कहता है यहाँ पे गिव मी योर पेन प्लीज, बॉय कहता है इट्स हियर, मैन कहता है थैंक यू, बॉय कहता है वेलकम या बोलता है मोस्ट वेलकम। क्या देखे, बॉय अपने से बड़े को कहता है वेलकम। रिस्पेक्टेड वन के लिए बॉस कहता है गिव मी योर अम्ब्रेला प्लीज, असिस्टेंट कहता है इट्स हियर, बॉस कहता है थैंक्स, असिस्टेंट कहता है इट्स माई प्लीजर। आपने क्या देखा, रिस्पेक्टेड वन के लिए असिस्टेंट ने बॉस को इट्स माई प्लीजर बोला। अब यहाँ पे हमें प्लीज के द्वारा जो सेंटेंस हम बोलते हैं बदले में हमें दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मेनी मेनी थैंक्स। लेकिन इसके रिस्पांस में क्या बोला जाता है, इट्स ओके, वेलकम, मोस्ट वेलकम, इट्स माई प्लीजर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो.